उत्तराखंड उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत गदरपुर दिनेशपुर बाय सिड़कुल मार्ग काफी खस्ता हाल हो गया। सड़क बड़े बड़े खड्डे में तब्दील हो गई। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि इसी सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। स्थानीय विधायक सांसद एवं जिलाधिकारी को इसी रोड को लेकर ज्ञापन दे चुके कई वर्ष हो गए, लेकिन बनने का नाम नहीं ले रहा। कई दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इस सड़क में आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि 29 नवंबर तक गड्ढा मुक्त रोड होना चाहिए, लेकिन अभी तक बनने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, बार बार धरना दे रहे हैं, हर पार्टी के लोग धरना दे, बीजेपी की छोड़ के बाकी जो पार्टियां हैं सभी धरना दे रहे हैं। कांग्रेस तो कई बार धरना दे चुकी है, कई बार प्रस्ताव लेके उनके पास जा चुके हैं, और सिटपुल होने के बाद जो सड़क हमारे नरेंद्र तिवारी ने जो ये बनाए थे उसके बाद से सड़क बीजेपी आने के बाद से सड़क नहीं बन पाई है, और उसमें आए दिन जो है दुर्घटना हो रही है। किसी के हस्बैंड जा रहे हैं, किसी के बच्चे जा रहे हैं, किसी जवान जवान मौतें हो रही है। उसके लिए ये कांग्रेस पार्टी जो है धरना दे रही है, और अगर आगे अगर ऐसा नहीं कर, ये जो इनके जो क्या कहते हैं सांसद कहिए, मंत्री कहिए, और वो कहिए, ये श्रेय लेने के चक्कर में है। कोई पप्पू कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अगर हम अगर हमारे शीशे, पुरानी कहावत है कि अगर अपने घर के शीशे कांच के हों तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, और अगर दूसरों के घरों में पत्थर मारते हैं तो खुद भी उसको सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। पंद्रह अक्टूबर तक जारी करते हैं, बट बरसात की लेट तक तो वो जो टाइम लाइन थी उसमें विलम्ब, और उसकी वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन हम लोग बराबर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो विभाग हैं, लोकल बॉडीज हैं, इसके अलावा PWD मुख्य विभाग है, सिंचाई है, और जो छोटे विभाग हैं जैसे जिला पंचायत के लिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।